हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे मेरा और एक न्यू हेलमेट, जो कि न्यू नहीं है और हेलमेट मेरे लिए भी नहीं है। और ये जो हेलमेट है, आपको तो पता ही है, मैं इसे लगभग पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हेलमेट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो हेलमेट आती है 2000 के अंदर आती है। और इसका जो मतलब अच्छी खासी हेलमेट है, मैं इसे 2 साल से यूज़ भी कर रहा हूँ और इसका बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक भी ये हेलमेट है। तो मेरा जो हेलमेट है वो कुछ रन हो गया है ख़राब, क्योंकि यहाँ पे आ गया है एक स्क्रैच। और ये हेलमेट जो कि अच्छा था, मैं भी पर्सनली इसे यूज़ कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा ऐसे ही सेम और एक हेलमेट मैं ऑर्डर करता हूँ, जो कि मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। और मैंने जो हेलमेट ऑर्डर किया है, आपको तो शायद पता है नहीं होगा, मैंने बहुत एक एक्सोर का हेलमेट ऑर्डर किया है, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो तब तक यही मैं यूज़ करने वाला हूँ और 10 से 15 दिन तक, क्योंकि वो जो डिलीवरी डेट है बहुत ज़्यादा लेट दिखा रहा है ऑनलाइन पे। तो मैंने सेम और एक हेलमेट ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, वो है यही सेम वाला हेलमेट स्टील बार्ट का। हर बार की तरफ मैं अभी भी मेरा बाइक के किसे ही अनबॉक्सिंग करने वाला हुई बॉक्स को, तो करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। अरे यार, इससे हो भी नहीं रहा है, चलो किसी तरह खोलते हैं इससे। और एक हेलमेट के लिए इतना बड़ा बॉक्स दे दिया कोई ना। और ये है मेन बॉक्स, देखते हैं यहाँ पे है स्टील बार्ट का। और इसका जो मॉडल है वो है स्टील बार्ट SBH 17, और सेम हेलमेट मेरे पास है ऑलरेडी। इसे अनबॉक्सिंग ऐसे, अबे यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो भी है खोल लिया। तो यहाँ पे है हेलमेट, रखते हैं बॉक्स को साइड में और आते हैं हेलमेट के ऊपर। तो यहाँ पे है पैकेजिंग में, पैकेज के अंदर नया वाला हेलमेट। फाड़ते हैं इस पन्नी को, जा बे बेटा। तो आ गया हेलमेट, और मैंने इसे एम साइज़ में ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरा एम साइज़ ही फिट आता है। तो ये है का कुछ लुक्स एंड व्यू, बहुत ज़्यादा सुंदर हेलमेट है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है। ये है नया हेलमेट और इसका जो मॉडल नंबर है SBH 17, में इसका स्टील बार्ट SBH 17, और शानदार हेलमेट है मैंने। और यहाँ पे जो कूलेस्ट फीचर्स मुझे लगता है इस हेलमेट का, वो है इस बटन से आप वन टैप प्रेस करके आप वाइजर आसानी से ओपन कर पाओगे और आसानी से बंद भी कर पाओगे ऐसे। अबे बंद हो जा, क्या तकलीफ है तेरे को। हाँ हो गया, जो भी है, इस बटन से वन टैप, इस बटन को टैप करने से आप इसे, इस वाइजर को ओपन कर पाओगे। और यहाँ पे है कुछ स्पेसिफिकेशन हेलमेट्स के बारे में, साइज़ वगैरह के बारे में। और इस हेलमेट में आपको यहाँ पे वाइंड वेंट मिल जाएगा, आपको गर्मी में आप इसे ओपन करके राइड कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, अंदर बहुत ज़्यादा वाइंड ये फ्लो करेगा। और यहाँ पे भी है एक वाइंड वेंट, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा वाइंड अंदर जाती है और अंदर गर्मी महसूस नहीं होने देता। तो ये है कुछ ऐसा, और आपको तो दिख रहा है कैसा है हेलमेट का लुक्स एंड डिज़ाइन, और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। और इसका जो प्राइस है वो आपको 2000 के अंडर आपको मिल जाएगा, पर मैंने ऑर्डर किया है 1800 पे, क्योंकि 1800 पे मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया इसे सिंगल वाइज़र के साथ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक वाइज़र है ब्लैक वाला, तो मैंने मतलब एक क्लियर वाइज़र ही मैंने ऑर्डर किया है सिंगल, इसलिए मेरा मतलब 200-150 रुपये मेरा को कम पड़ा है हेलमेट। और इस कांच का प्लेसमेंट कुछ ठीक नहीं है, जो भी देखते हैं।
फाइनली मैंने मेरा पुराना हेलमेट से इस ब्लैक वाला वाइज़र को इंस्टॉल कर चुका हूँ इस नए हेलमेट पे। और ये जो हेलमेट है इसका मॉडल नंबर तो आपको शायद पता ही है, मैंने बोला हूँ पहले भी, SBH 17, और ये रोबोट सीरीज़ के अंदर आती है स्टील बार्ट का। तो ये